तो फिर आपने जो वाला वीडियो देखा, ये वाला वीडियो रील्स पे काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। ये वाला वीडियो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कैपकट एप्लीकेशन में बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ और साथ में आपको वीपीएन से भी कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं पहले वीपीएन से कनेक्ट करके रखा हूँ, आपको यहाँ पर कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर फोटो ऐड कर लेना। करीब यहाँ पर आपको 6 फोटो चाहिए कुछ इस तरह का वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले ही फोटो ऐड कर लिया हूँ। चलिए वो फोटो ऐड कर लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह का फोटो मैं पहले ही ऐड कर लिया हूँ। और यहाँ पर आपको जूम भी कर लेना, फोटो को सारा फोटो को जूम कर लेना। जब आप फोटो ऐड करेंगे कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का आपको यहाँ पर फिंगर, दोनों फिंगर से जूम कर लेना और यहाँ पर आपको साइज भी एडजस्ट कर लेना। तो फॉर्मेट में आपको चले जाना और यहाँ से आपको 9:16 में साइज ऐड कर लेना। और इस तरह का आपको बीट मार्क करना होगा सॉन्ग को। तो पहले तो आपको एड ऑडियो में चले जाना और यहाँ से आपको एक्सटेंड में चले जाना और ये वाला सॉन्ग आपको यहाँ पर एक्सटेंड कर लेना। देख सकते हैं यहाँ पर एक्सटेंड हो चुका है। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर सॉन्ग को एक्सटेंड कर लेना और ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ अभी। तो इस तरह का आपको एक्सटेंड कर लेना और यहाँ पर आपको पहला वाला फोटो आपको करीब 10 सेकेंड आपको ऐड कर लेना और उसके बाद आपको जितना भी फोटो रहेगा 1 सेकेंड के बाद आपको ऐड करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको 11 सेकेंड और यहाँ पर आपको 12 सेकेंड देखने को मिलेगा। तो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर बीट के हिसाब से ऐड कर लेना, 1-1 सेकेंड के बाद आपको यहाँ पर ऐड कर लेना, ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए इस तरह का फोटो में यहाँ पर सेट कर लेते हैं, बीट के हिसाब से आपको यहाँ पर सेट कर लेना। तो सबसे पहले आपको जो वाला फोटो देखने को मिलेगा, देख सकते हैं इस तरह का आपको एनिमेशन लगाना है पहले वाला फोटो में। तो यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर लेते हैं और एनिमेशन में आपको चले जाना और यहाँ से लोडिंग होगा, थोड़ा आपको वेट कर लेना। उसके बाद आपको कॉम्बो वाला सेक्शन में आपको चले जाना और इधर आपको स्लाइड कर लेना और इधर आपको इस तरह का एनिमेशन देखने को मिलेगा। देख सकते हैं जो कट हो रहा है, देख सकते हैं फोटो। तो इधर स्लाइड कर लेते हैं और ये वाला एनिमेशन आपको देखने में मिलेगा। तो इसे आपको यहाँ पर फुल कर लेना लेंथ वगैरह और इस तरह का आपको देख सकते हैं पहला वाला एनिमेशन एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद आपको दूसरे वाला फोटो में आपको चले जाना है और इस तरह का आपको स्लाइड वाला लगाना है अभी। तो यहाँ पर फोटो पर क्लिक कर लेते हैं और एनिमेशन में चले जाते हैं, फिर से आपको कॉम्बो में आपको चले जाना है और ये वाला एनिमेशन आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये वाला एनिमेशन है। तो इसे आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना और इसे आपको हर एक फोटो में यूज कर लेना अभी। तो कुछ इस तरह के देख सकते हैं हर एक फोटो में यूज कर लेते हैं और इसका लेंथ को यहाँ पर फुल कर लेना। किसी फोटो में अगर कम है तो यहाँ पर आपको लेंथ बढ़ा लेना। तो देख सकते हैं इस तरह का लेंथ आपको बढ़ा लेना और लास्ट वाला फोटो है तो यहाँ भी अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ टिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है और कुछ इस तरह करना नहीं है। बस यहाँ पर आपको इस तरह का इफेक्ट लगाना है, कुछ इस तरह का आपको इफेक्ट देखने को मिले, ब्लिंकिंग इफेक्ट या फिर कुछ इस तरह का स्टार वाला इफेक्ट। तो चलिए दोनों इफेक्ट लगा लेते हैं। तो एरो पर क्लिक कर लेते हैं और पहले आपको इफेक्ट में चले जाना, वीडियो इफेक्ट में चले जाना और यहाँ से आपको पार्टी वाला आपको सेक्शन में आपको चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको ब्लिंकिंग इफेक्ट देखने में मिलेगा, देख सकते हैं 4th नंबर पे। तो इसे आपको अप्लाई कर लेना और इसका लेंथ वगैरह देख लेना। तो इसे करीब यहाँ पर मैं 35 या 40 कर लेते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हो। और इसका लेंथ आपको यहाँ पर फुल कर लेना। तो इसे यहाँ पर फोटो के हिसाब से रख लेते हैं, पहला वाला फोटो जितना देखने को मिलेगा। देख सकते हैं इस तरह का आपको यहाँ पर एडजस्ट वगैरह कर लेना और यहाँ पर आपको इस तरह का देख सकते हैं स्टार वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये भी अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर आप दूसरे वाला फोटो आपको चले जाना जहाँ से फोटो चेंज हो रहा है, तो फिर से वीडियो इफेक्ट में चले जाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको स्लाइड कर लेना, इधर पीछे चले जाना और स्पार्क वाला आपको ऑप्शन में आपको चले जाना है और यहाँ से आपको देख सकते हैं नीचे में आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा फिल्टर। तो यहाँ पर मैं ये वाला फिल्टर का यूज़ करूँगा, आप कोई भी फिल्टर यूज कर सकते हैं, सारा आपको फिल्टर सेम देखने को मिलेगा और इसे भी आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे 35 इसे रख लेते हैं और इसका लेंथ यहाँ पर फुल कर लेते हैं। तो इस तरह का आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो और इसका लेंथ यहाँ पर मैं फोटो के हिसाब से सेट कर लूँगा। तो देख सकते हैं पहले वाला फोटो में इस तरह का देखने मिलेगा और इसी को आपको फिर से कॉपी कर लेना है और फिर से आपको दूसरे वाला फोटो में ऐड कर लेना है और इसी तरह का आपको यहाँ पर फिर से कॉपी कर लेना और इसे फिर से आपको यहाँ पर दूसरे वाले फोटो में एडजस्ट कर लेना है, लेंथ इसका देख लेना, फिर से कॉपी कर लेते हैं और इसका लेंथ को एडजस्ट कर लेते हैं और एक बार लास्ट में आपको कॉपी करके यहाँ भी आपको एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है और इफेक्ट में आपको क्लिक कर लेना और ऑब्जेक्ट में जाके ऑल कर लेना, तो सारा फोटो में सेम आपको एडजस्ट सेम आपको अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह का। देख सकते हैं तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरह का बना सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। तो देख सकते हैं वीडियो आपको कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा दूँ कैसे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस तरह का वीडियो बना सकते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं करना है।
आप यहाँ पर एक्सपोर्ट में जाके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर लेना, इसे आपको 60 FPS कर लेना और उसके बाद आपको एरो पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बता लेना और वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। कुछ इससे तक आपको ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। कुछ इससे तक आपको ट्रेंडिंग रील्स के ऊपर वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए ऐसे मिलेगा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।